बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पार्ट फोर सीखेंगे इस लेसन का। इसके पहले पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, और मेरा रिकमेंडेशन हर बार की तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री देखें अगर आप पार्ट फोर पर डायरेक्टली आए हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जैसे सब लोग कहते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ये चैनल के बारे में बताइए और इस तरह से आगे और वीडियोस आती रहेंगी, तो आप लोग बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के चैनल के साथ में। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है राइट्स ऑफ नेचर ऑन द ग्लोबल स्टेज। नेचर को कुछ राइट्स दिए गए जैसे इंसानों को दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेचर को राइट्स दिए हैं, नेचर यानी कि प्रकृति। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम हमारे कंट्री के बारे में कहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए यानी कुछ हक दिए गए इंसानों को, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज, राइट टू मूव अराउंड फ्रीली और बहुत सारे हक दिए गए। हमारा जो कानूनी हक हम कह सकते हैं, और राइट टू लिव, जीने का हक वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक उसी तरह से जो नेचर है उसे भी एक इंसान का रूप समझकर जैसे इंसान को राइट्स दिए जाते हैं, उसी तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए। तो क्या एग्जैक्टली हुआ, कैसे उन्होंने राइट्स दिए, कौन सी मीटिंग हुई थी, कहाँ पर असेंबली हुई थी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। व्हेन नेचर इज़ अ टीचर वी को क्रिएट विथ हर, वी रिकग्नाइज हर एजेंसी एंड हर राइट्स। देखो जैसे वंदना शिवा ने कहा कि मैं नेचर से सीख रही हूँ, और जो भी कोई सीखने वाला होता है उसे स्टूडेंट कहते हैं, और जिससे हम सीखते हैं वो टीचर होता है। तो यहाँ पर नेचर को टीचर बनाया गया है और टीचर को कुछ राइट्स दिए गए। दैट इज़ वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, दैट इक्वाडोर हैज रिकग्नाइज द राइट्स ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वाडोर एक कंट्री है जिन्होंने अपने संविधान में नेचर को कुछ राइट्स दिए गए। राइट्स यानी जैसे कि पेड़ वगैरह ना काटना, जानवरों को ना मारना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नेचर में वो सारे लोग आते हैं, सारे लोग यानी सारे जितने जो एलिमेंट्स हैं हमारे आबो हवा को लेकर, हमारे प्रकृति को लेकर, जैसे कि कई टाइप के जानवर है और अलग अलग टाइप के जो परिंदे हैं, पेड़ है और ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे एक नेचर बनते हैं, राइट। तो कुछ राइट्स दिए गए जैसे कि हमारे इंडिया में जब हम लोग जाते हैं तो कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे परिंदे हैं जिसे हम मार नहीं सकते या उसकी हंटिंग नहीं कर सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते। जैसे जब शेर हो गया, फिर नेशनल बर्ड जो है हमारा वो कौन है, पिकॉक है, राइट। तो नेशनल जो भी चीज़ें नेशनल तौर पर दिए गए, राइट, नेशनल स्टेटस दिया गया है, वो सारी चीज़ों को हम नुकसान नहीं दे सकते, तो उसी को राइट्स कहा जाता है। तो इन अप्रैल 2011 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वाडोर एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मदर अर्थ, इनिशिएटेड बाय बोलोविया, ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द हार्मनी विद नेचर एज पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशंस। अब यहाँ पर अप्रैल 2011 में एक असेंबली हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव, हर कंट्री का एक इंसान उस जनरल असेंबली यानी उस मीटिंग में भाग लेता है। हमारे इंडिया की तरफ से भी है, मुझे लगता है कि 170 से ज़्यादा कुछ मेंबर्स है ऑल ओवर द कंट्री जो एकजुट आते हैं यूनाइटेड नेशन। शायद ये यूएसए में कहीं तो ये मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बहुत सारे मामले डिस्कस किए जाते हैं,
हर तरह के मामले डिस्कस किए जाते हैं। अप्रैल 2011 में एक ऐसा मामला डिस्कस किया गया जो था नेचर को लेकर, राइट। और इसके पहले ये मीटिंग के पहले इक्वेडर ने पहले ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए थे, उस पर बेस्ड ये जो है मदर अर्थ डिक्लेरेशन एंड द यूनिवर्सल। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेडर, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेडर मतलब इक्वेडर कंट्री से प्रेरणा लेकर, प्रोत्साहित होकर और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मदर अर्थ, यानी मदर अर्थ को, जैसे ये जो धरती है, कुछ कुछ लोग का मानना होता है कि ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी को माँ की उपाधि दी गई है, ज़मीन माँ ऐसा बोलते हैं ना। तो जैसे हमें अभी इंडिया को ही मदर इंडिया, जैसे भारत माता ऐसा बोलते हैं, राइट। अब जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, भारत माता, इंडिया को अब भारत माता ऐसा कहा गया, राइट। मदर अर्थ इनिशिएटेड बाय बोलोविया, यहाँ पर दो कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो है इक्वाडोर और दूसरा है बोलोविया, ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन हारमनी विथ नेचर हैज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन। अप्रैल 2011 जो था वो अर्थ डे, उस दिन जब अर्थ डे था तो उन लोगों ने सेलिब्रेशन के तौर पर उन्होंने ये मैटर डिस्कस किया, एक कॉन्फ्रेंस को बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस में हारमनी विथ नेचर, कि हम नेचर के साथ में कैसे अमन के साथ रह सकते हैं, उसे हारमनी विथ नेचर कहा जाता है। मच ऑफ द डिस्कशन सेंटर्ड ऑन द वेज टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम बेस्ड ऑन द डोमिनेशन ऑफ पीपल ओवर नेचर, मैन ओवर वुमन एंड रिच ओवर पुअर इन टू न्यू सिस्टम्स बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। डिस्कशन करने का जो टॉपिक था कि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर उन्होंने बात की, सबसे पहले तो ये कि जो इंसान एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी गलत इस्तेमाल कर रहा है नेचर का। अब गलत इस्तेमाल करना कैसे, अब यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे पेड़ वगैरह काटना होता है ना, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आप लोगों को। इस तरह से तो इंसान ने तो पूरा नेचर की उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया है, अपनी जो प्रकृति है उसकी पूरा बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। डोमिनेशन का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर हावी होते हैं, डोमिनेट करते हैं, किसी को कंट्रोल करते हैं, तो उसको डोमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो लोग हैं उन्होंने नेचर के ऊपर कंट्रोल किया है। आज आप लोग देख सकते हो कि पानी गंदा बह रहा है, यानी नदी के पानी में और समुद्र के पानी में फैक्ट्री के गंदा पानी बहाया जाता है जो केमिकल से भरपूर होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, अब हर जगह देखोगे तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देगा। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो होती है एक्सप्लॉयटेशन, यानी नेचर को हम बर्बाद कर रहे हैं, नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, एक तौर से हम लोग ये कह सकते हैं कि नेचर के साथ में इंसान जो खिलवाड़ कर रहा है। और मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि पहाड़ों को काटते हैं वो लोग, काट कर तो इससे क्या होता है कि डिसबैलेंस होता है लैंड पर, ज़मीन पर अगर पहाड़ काटते जाओगे तो इससे डिसबैलेंस हो जाएगा। और फिर भूकंप वगैरह, जैसे ये सुनामी वगैरह क्या है, एक्चुअली ये सुनामी से हमारे करतूत की वजह से ही हुई है, राइट। अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन और बहुत सारी बारिश है, तो बिल्कुल बारिश नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे के सारे हमारे करतूत की वजह से हम वो भुगत रहे, ठीक है। और दूसरा क्या था, मैन ओवर वुमेन। आजकल के समाज कहीं पर भी आप जाओगे तो यही आपको दिखाई देगा कि जो औरतें होते हैं उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है मर्दों की तरफ से, इस मुद्दे पर भी बात की गई थी। फिर तीसरा जो था वो था रिच ओवर पुअर, जो गरीबों को, जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको जो हक देना चाहिए, गरीबों को जो हक देना चाहिए वो छीन लेते हैं वो लोग, देते नहीं है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तीन मुद्दे थे जिसके ऊपर बात की गई थी। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से तीन मुद्दे थे जिसके ऊपर यूएन जनरल असेंबली में चर्चा की गई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में बात की गई। तो आगे बढ़ते चलिए, द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स रिपोर्ट हारमनी विथ नेचर। अब यूएन जनरल सेक्रेटरी ने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट का नाम था हारमनी विथ नेचर, इश्यूड इन कंजंक्शन विद द कॉन्फ्रेंस
एलैबोरेट्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकनेक्टिंग विद द नेचर। अब यूनियन जनरल सेक्रेटरी ने जो एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था हार्मनी विद नेचर, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इसे एक प्रस्ताव के तौर पर रखा। और क्या लिखा था उस रिपोर्ट में, एलैबोरेट्स यानी कि और बहुत डीपली और चर्चा करके उन्होंने और ज़्यादा तौर पर और डीपली उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि हमें कितना ज़रूरत है कि हमें नेचर से रिकनेक्ट होना चाहिए। रिकनेक्शन विद नेचर का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर से दूर भाग रहे हैं। आज आप देखोगे कि जब हम बीमार गिरते हैं तो हम सबसे पहली दौड़ जो लगाते हैं वो डॉक्टर के पास है ना, और फिर वो डॉक्टर क्या करता है, हमें केमिकल्स की जो दवाएं वगैरह देते हैं खाने के लिए, मेडिकल से हम जब वो दवाएं लाते हैं वो सारे की सारी चीज़ें क्या है, वो केमिकल मेडिसिन है जो हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं अगर हम उसे ओवरडोज या ज़्यादा दिन तक लेते जाएं तो वो हमें नुकसान दे सकती है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जब बीमार गिरते थे तो वो खुद से ही इलाज करते थे या तो फिर ऐसे इंसान के पास जाते थे जिसे वैद्य कहते हैं, तो वो क्या करता था कि नेचर से वो जो दवाएं वगैरह देता था आयुर्वेदिक दवाएं, वो नेचर से कनेक्टेड थी यानी वो नेचर से ली गई दवाएं थी। तो ऑब्वियसली जब वो दवाएं इस तरह से खाएगा तो वो ठीक होता था राइट। तो वो कनेक्शन, तो आज जो है ना वो कनेक्शन टूट गया है, हम नेचर से जुड़े हुए नहीं हैं। अब और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूँ, सिटी में जो लोग रहते हैं और जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, अब लोग दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। सिटी का जो इंसान होता है वो हमेशा कमज़ोर होता है गांव के लोगों के मुकाबले, और उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, गाँव वालों की ताकत ज़्यादा होती है, बीमार जल्दी घिरते नहीं और उनको ऐसी कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होती गांव वालों को। लेकिन वहीं अगर आप सिटी के लोगों को देखोगे तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और कोई इस तरह का काम हैवी वर्क वगैरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जंक फूड खाते हैं और उनके जो लाइफ स्टाइल होती है वो नेचर से दूर होती है। तो वो और जहाँ आप ये देखोगे गाँव वाले वो हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, नेचर में रहते हैं, आबो हवा उनको अच्छी अच्छी हवा मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पानी मिलता है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो नेचर से रिकनेक्ट होने की काफ़ी ज़रूरत है हमें आज। अल्टीमेटली एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ द फेलियर टू रिकग्नाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर एंड दैट वी कैनॉट डैमेज इट विदाउट सीवियरली डैमेजिंग आवर सेल्फ्स। अल्टीमेटली मतलब अंत में आज हमारा जो वर्ताव है वो तबाही की तरफ ले जाने वाला वर्ताव है। तबाही एक्चुअली जो हम लोग कर रहे हैं ना वो खुद को तबाह करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये जब जैसे जैसे दिन आते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम लोगों ने हमारे हाथ से खुद को ही बर्बाद कर दिया है, इंसानियत को बर्बाद कर दिया है। इज़ अ रिजल्ट ऑफ फेलियर टू रिकग्नाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर। हम अपने जो नेचर को तबाह करते करते ये भूल चुके हैं कि हम खुद एक नेचर का ऐसा हिस्सा है जो कभी अलग नहीं हो सकता, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि हम नेचर का हिस्सा है राइट। हम नेचर को तबाह कर रहे हैं ये सोचकर कि हम नेचर के ऊपर पूरा हमारा हक है, हम कैसे भी खिलवाड़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे हम खुद को बर्बाद करते हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड दैट वी कैनॉट डैमेज इट विदाउट सीवियरली डैमेजिंग आवर सेल्फ। हम नेचर, हम क्या सोच रहे हैं, इंसान क्या सोचता है कि हम नेचर को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पावरफुल इंसान हैं राइट। हम दुनिया के सबसे पावरफुल और नेचर में सबसे पावरफुल है, हमारा जो स्टेटस है वो हमेशा हाई लेवल पे होगा और सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर को, हम सोचते हैं कि हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं राइट। हम जैसा चाहे नेचर को वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं राइट। सेपरेटिज्म इज इंडेड एट द रूट ऑफ डिसहार्मनी विद नेचर एंड वायलेंस अगेंस्ट नेचर एंड पीपल। अब सेपरेटिज्म इसका मतलब होता है कि जब हम किस भेदभाव करते हैं लोगों के साथ में, ये ऊंच नीच हो सकती है या पैसे के मामले में हो सकती है या कलर क्रीड या कोई रिलीजन या कास्ट, इसके बेस पर जब हम भेदभाव करते हैं उसे सेपरेटिज्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करें, जिस तरह से हम
एक दूसरे के साथ में भेदभाव करते हैं, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जब हम लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं तो उस वक्त हम एक जो फैसिलिटीज़ उन लोगों को देने चाहिए वो देते नहीं। ब्रिटिशर्स के ज़माने में ऐसा होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो हिंदुस्तानी लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ से दूर रखते थे, उनको वो फैसिलिटीज़ देते नहीं थे। जैसे कि कुछ ऐसे इलाके थे ब्रिटिश के ज़माने में, ये हो सकते हैं कि कोई पब्लिक प्लेसेस हो, पार्क हो या कोई होटल हो, वहाँ पर वो लोग लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इसी तरह से सेपरेटिज्म, जो भेदभाव हम लोग कर रहे हैं, वो ठीक उसी तरह से हम लोग नेचर के साथ में भी कर रहे हैं। नेचर का जो राइट्स है, नेचर का जो हक है, जिसमें सारे लोग आते हैं, जैसे जिसमें सारे के सारे आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी चीज़ें आती हैं। हैज़ अ प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन एनवायरमेंटलिस्ट, एक साउथ अफ्रीकन एनवायरमेंटलिस्ट रह चुके हैं जिनका नाम कॉर्मैक कॉलिन है। पॉइंट्स आउट अपार्टाइड मीन्स सेपरेटनेस। अब सेपरेटनेस का दूसरा मतलब अपार्टाइड होता है। अब ये अपार्टाइड है, ये एक्चुअली ये जो वर्ड है ये साउथ अफ्रीका से काफ़ी उसका ताल्लुक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोगों को ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जिस तरह से हिंदुस्तान को ब्रिटिशर्स लोगों ने कब्ज़ा किया था और राज किया, उसी तरह से ब्रिटिशर्स लोगों ने अफ्रीका को भी कब्ज़ा किया था, और उसी तरह से जिस तरह से इंडियंस लोगों को तकलीफ़ हुई, वैसे अफ्रीकन लोगों को भी तकलीफ़ हुई थी। तो अफ्रीकन्स जो ये थे वो हमेशा, उनको भी वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में उनका आना जाना काफ़ी बंद हो चुका था और इस तरह से, तो उसे अपार्टाइड कहते हैं। अब अपार्टाइड का और ब्रॉडर मीनिंग होगा कि किसी को किसी के कलर के बेस के ऊपर जब भेदभाव करते, कोई काला होगा कोई गोरा होगा, तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स लोगों ने इसी बेस पे कि वो समझते थे कि जो वाइट यानी कि जो गोरे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और इज्जत के काबिल है, और जो काले लोग हैं वो हमेशा इस तरह के काम करने चाहिए, जो मजदूर टाइप जो लोग होते हैं, और इस तरह से अफ्रीका में ऐसा होता था कि वहाँ पर अपार्टाइड ये पॉलिसी अपनाई जाती थी। लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो द वर्ल्ड जॉइंड द एंटी अपार्टाइड मूवमेंट टू एंड द वायलेंट सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी थी इस अपार्टाइड के खिलाफ, और उन लोगों ने आंदोलन वगैरह करके ये साबित किया कि अपार्टाइड जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ये जो अपना रहे वो सही नहीं है कलर के बेस पर। अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका वॉज पुट बिहाइंड अस, टुडे वी नीड अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका वॉज पुट बिहाइंड अस। इसका मतलब होगा कि साउथ अफ्रीका में फिर आगे जाकर अपार्टाइड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और टुडे वी नीड टू ओवरकम द वाइडर एंड डीपर अपार्टाइड। लेकिन आज भी अपार्टाइड का पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी लोग अपार्टाइड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बीच नहीं, बल्कि वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये नेचर के खिलाफ अपार्टाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर, डीपर अपार्टाइड एंड वाइडर एंड डीपर अपार्टाइड एंड इको अपार्टाइड बेस्ड ऑन द इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम नेचर इन आर माइंड्स एंड लाइव्स। तो हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली कि हम वही पॉलिसी, वही चीज़ अपना रहे जो ब्रिटिशर्स ने कुछ सालों पहले अफ्रीका के ऊपर अपनाई थी, जो कि था सेपरेटनेस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से एक बार अपार्टाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो है पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन्स नहीं है, बल्कि इंसान और नेचर के बीच में अपार्टाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेपरेटनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पैराग्राफ है द डेड अर्थ वर्ल्ड व्यू। द वॉर अगेंस्ट द अर्थ बिगैन विद दिस आइडिया ऑफ सेपरेटनेस। एक्चुअली हम जो कर रहे हैं ना वो एक टाइप का जंग समझ सकते हो पृथ्वी और इंसान के बीच में, और ये किस बेस के ऊपर है, ये जो जो लड़ाई चल रही है, ये जो वॉर चल रही है किस बेस पर है, सेपरेटनेस के बेस के ऊपर। इट्स कंटेम्प्रेरी सीड्स वर सोन, शुरुआत कब हुई थी इसकी, इसकी बीज नींव कब डाली गई थी, इसकी
तो इट्स कंटेम्प्रेरी सीड्स वाज सोन व्हेन द लिविंग अर्थ वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेड मैटर टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इसकी शुरुआत तब होती है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली इसका मतलब ये होगा कि पुराने ज़माने में, आज से कुछ 80-90 साल पहले की बात है ये, जब कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, लोगों का पहले मशीन से चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी, ठीक है, हैंडमेड बोलते थे इसे। लेकिन जब मशीन का आविष्कार किया गया, जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो मशीन से काफ़ी तादाद में, यानी लाखों हज़ारों लाखों के तादाद में वो चीज़ बनाई जाती थी, तो इसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे लिए क्या ये अच्छा साबित हुआ, क्या ये फ़ायदेमंद साबित हुआ? यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नो डाउट ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाया गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारा फ़ायदा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और कंपनीज को सेटअप किया गया, वहाँ पर मशीनरीज को लाया गया, तो उन मशीनरीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी। और उसके बाद जो मशीनरी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती थी, उसे मिक्सड अप किया गया नेचर के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री समझ लो जहाँ पर मशीन्स वगैरह इस्तेमाल किए गए, शुगर फैक्ट्री समझ लो, ठीक है। अब शुगर फैक्ट्री में जो मशीनरीज को चलाए जाते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल्स, और मैंने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप लोगों को बताया, तो उन मशीन्स को चलाने के लिए फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, राइट। और जब फिर वो मशीन से जो रॉ मटेरियल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ वो लोग डंप करेंगे? पानी में डंप करेंगे या इधर उधर फेंक देंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी का उसको उसका बहुत बड़ा नुकसान है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो बताना चाहते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। मोनोकल्चर्स रिप्लेस डाइवर्सिटी। मोनोकल्चर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ही तरह की फसल उगाई जाती है, उसे मोनोकल्चर बोलते हैं। अब जो मोनोकल्चर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था डाइवर्सिटी की तरफ, यानी अनेकता की तरफ, ठीक है। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल्स एंड डेड मैटर रिप्लेस्ड अ वाइब्रेंट अर्थ। अब जो ये रॉ मटेरियल था एंड डेड मैटर, ऐसा कहा जाता था कि पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो काफ़ी जानदार थी, जिंदा दिल थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रही थी, वो मुर्दों में शुमार हो रही थी उसकी, यानी उनकी पृथ्वी की जो गिनती थी वो मुर्दों में शुमार हो रही थी। टेरा न्यूलियस, और उसी को टेरा न्यूलियस, द एम्प्टी लैंड रेडी फॉर ऑक्यूपेशन रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस का मतलब होता है वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग होते हैं, उसे इंडिजिनियस बोलते हैं, ठीक है। रिप्लेस टेरा मैड्रे, टेरा न्यूलियस द एम्प्टी लैंड रेडी फॉर ऑक्यूपेशन रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडिजिनियस पीपल, रिप्लेस टेरा मैड्रे मदर अर्थ। अब मदर अर्थ, टेरा मैड्रे यानी मदर अर्थ, ओके। अब इसे, इसको बदल कर बन गया टेरा न्यूलियस। पहले ये टेरा मैड्रे था, लेकिन बाद में टेरा न्यूलियस हो गया। अब टेरा न्यूलियस, टेरा न्यूलियस क्या चीज़ है? ये एक खाली जगह है, एक बंजर जगह है, एक बंजर धरती है, जहाँ पर फसलें उगाई जाएंगी। किन लोगों के ओर से फसलें उगाई जाएंगी, मतलब कौन फसल उगाएगा? टेरा न्यूलियस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो वहाँ के बाशिंदे हैं, और वो फसल उस ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, वो खाली ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे फसल उगाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब, इस पैराग्राफ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक ज़माने में जो धरती, हमारी जो धरती इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो उपजाऊ ज़मीन थी, या जिसमें उस ज़मीन में जो ताकत थी, ठीक है, फसल वगैरह उगाने की, वो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फैक्ट्रीज वगैरह आने की वजह से, कंपनीज और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज आने की वजह से, वो इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और हर तरह के पोल्यूशन करने के बाद हमारी धरती की पूरी, हमारी धरती को पूरा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। दिस पॉलिसी गोज़ बैक टू फ्रांसिस बेकन, कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस।
अब ये जो सोच थी ये किसने लाई थी? फ्रांसिस बेकन नाम का एक इंसान था जिसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता था, हु सेड दैट साइंस एंड द इन्वेंशंस दैट रिजल्ट्स डू नॉट मेरली एक्सर्ट अ जेंटल गाइडेंस ओवर नेचर्स कोर्स। इसका मतलब ये था कि जो फ्रांसिस बेकन था ये इसका मानना ये था कि इस दुनिया में जो भी कुछ चीज़ें मौजूद है वो इंसान के लिए है, अगर उन इंसान उन चीज़ों को हासिल करने के लिए अगर थोड़ा बहुत बर्बादी कर दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये जो सोच थी फ्रांसिस बेकन की ये अच्छी नहीं थी। फिलोसफी का मतलब होता है एक तरह की सोच, ठीक है। इसे मॉडर्न साइंस का फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा गया था। वो सेड दैट साइंस एंड द इन्वेंशंस, विज्ञान और जो आविष्कार, दैट रिजल्ट डू नॉट मेरली एक्सर्ट अ जेंटल गाइडेंस ओवर नेचर्स कोर्स, दे हैव द पावर टू कॉन्कर एंड सबड्यू हर। अब दे हैव द पावर, दे का मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पास हक है इस धरती के ऊपर निसर्ग या नेचर के ऊपर अपना कब्जा करना और उसे कंट्रोल में लेकर आना। आज आप लोग देखोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने तरह तरह चीज़ों के ऊपर कब्जा किया है, जैसे तरह तरह चीज़ों के ऊपर कब्जा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पानी के बहाव को कंट्रोल कर हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जैसे डैम्स वगैरह बनाते हैं नदी के ऊपर, राइट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग एक ओर से हम लोग ये कर रहे हैं कि हम निसर्ग का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टू शेक हर टू हर फाउंडेशंस, यानी कि जो फ्रांसिस बेकन है वो कहता है कि इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत नेचर का नुकसान हो जाए इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैज़ फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन कैरोलिन मर्चेंट पॉइंट्स आउट, और एक फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन है जिसका नाम कैरोलिन मर्चेंट है, वो कहती है दिस शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, हमारे सोच में जो बदलाव आया है, दिस शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम नेचर हैज़ अ लिविंग नर्चरिंग मदर टू इनर्ट। देखो हम अर्थ को क्या समझते हैं, अर्थ को एक माँ की तरह समझते हैं, जैसे कि जिस तरह से कोई माँ हो, कोई भी, चाहे वो इंसान की माँ हो या जानवर की माँ हो, माँ तो माँ होती है वैसे, तो जैसे कि इस धरती को भी एक माँ का रूप दिया गया, जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, पालती है, पोसती है, उसी तरह से ये जो धरती है वो हमें पाल रही है, पोस रही है हमें, और वो सारे चीज़ें दे रही है, वो नियामत वगैरह, वो सारे चीज़ें दे रही है जो हमें उसकी ज़रूरत हो या एक इंसान को जीने के लिए, ठीक है। फ्रॉम नेचर हैज़ अ लिविंग नर्चरिंग मदर टू इनर्ट दैट एंड मैनिपुलेबल मैटर वॉज वेल सुटेड टू द एक्टिविटीज दैट वुड लीड टू कैपिटलिज्म। तो इसे ये जो चीज़ है इनर्ट दैट वुड लीड टू कैपिटलिज्म एंड मैनिपुलेबल मैटर हैज वेल एज सुटेड टू द एक्टिविटीज दैट वुड लीड टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है यहाँ पर जो भी बेचने के ऊपर जो हक होता है हमारा, बेचने पर जो हक होता है वो ना कि अभी गवर्नमेंट का होगा लेकिन वो पर्टिकुलर जो लोग होते हैं, देखो बेचने का जो हक, क्या बेचा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, वो अभी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, लेकिन अगर जो बेचने वाला डिसाइड करें तो उसे कहते हैं कैपिटलिज्म। इन शॉर्ट द डोमिनेशन इमेज इज क्रिएटेड बाय बेकन। डोमिनेशन इमेज, डोमिनेशन का मतलब कंट्रोल करना। अभी जो बेकन जो था और इस तरह के जो लीडर्स थे बेकन जैसे, जिनकी सोच ये थी कि हमें नेचर के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम इंसान की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो रिप्लेस दोज ऑफ द नेचरिंग अर्थ, ये जो सोच थी कंट्रोल करने वाली पृथ्वी के ऊपर, इसका जो सोच था इसका जो असर नर्चरिंग अर्थ से एक बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। वो धरती जो पालती है पोसती है इंसानों को, अब वही धरती इंसानों का बर्बादी का कारण बन सकती है, ठीक है। अब बर्बादी का कारण कैसे बन सकती है, जैसे समझो अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड, फेमाइन, इस तरह के जो आपदा आ सकती है, नैसर्गिक आपदा आ सकती है, ठीक है। रिमूविंग अ कल्चरल कंस्ट्रेंट, कल्चरल कंस्ट्रेंट यानी एक टाइप की जो हमारी संस्कृति है जो हमारे अर्थ को बचाए रखती है। अगर बताया जाए तो इसमें इतना डीप है कि मुझे एक लाइन समझाने के लिए मुझे
काफी सारा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना पड़ेगा। रिमूविंग अ कल्चरल कंस्ट्रेंट ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, पृथ्वी को एक्सप्लोइट करने में, कंट्रोल करने में, अपनी संस्कृति को भुलाकर इन लोगों ने नेचर को एक्सप्लोइट किया, यानी नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की। क्योंकि मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि लास्ट टाइम कि कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं कि वो नेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। जैसे कि दो एग्जांपल्स मैंने दिए थे कि दो ऐसे पेड़ हैं, बनियन ट्री, बड़ का झाड़ और पीपल का झाड़ को ज़्यादा पूजा जाता है। फिर नदियाँ और समुंदर, पहाड़, सूरज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसे एक ऐसा एक आध्यात्मिक स्थान दिया गया है। ठीक है, उसे ध्यान में रखकर लोग आज भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी पूछते हैं। लेकिन फ्रांसिस बेकन जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों ने अपनी संस्कृति को भुलाकर इस तरह से उन लोगों ने काम किया। वन डज नॉट रेडिली स्ले अ मदर, डिग इन टू हर एंट्रेल्स फॉर गोल्ड और म्यूटिलेट हर बॉडी। ये जो मदर है, ये धरती के लिए कहा गया। क्यों? हम अपनी माता का मर्डर नहीं करते, हम अपनी माँ की जान नहीं लेते। यहाँ पर जो कैरोल मर्चेंट है वो कह रही है कि वो इसके सख्त खिलाफ है। फ्रांसिस बेकन और इस तरह के साइंटिस्ट जो है वो उन लोगों के सख्त खिलाफ है, और वो कह रही है कि जिस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जिस तरह से हम अपनी माँ को इज्जत देते हैं, और हम ऐसा कर भी नहीं सकते कि हम अपनी माँ की जान लें और फिर जान लेने के बाद में उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचाए, उसकी बॉडी के साथ में खिलवाड़ करें, तो फिर हम कैसे इस धरती को, जिसे हम अपनी माँ समझते हैं, उसके बॉडी को, यानी कि यहाँ पर जो धरती के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से किसी भी इंसान में या माँ हो, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, लंग होता है, फिर हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ें होती है। क्या हम अपनी माँ को मर्डर करने के बाद में उसकी किडनियाँ वगैरह निकालते हैं बाहर? क्या हम उसकी बॉडी को बर्बाद करते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते और हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। फिर कैरोलिन मर्चेंट जो फिलोसोफर और हिस्टोरियन है, वो हमसे ये पूछना चाहती है कि फिर हम जब इस धरती को अपनी माँ समझते हैं, तो फिर क्यों हम अपनी धरती की हम अपनी धरती का सीना चीर कर वो सारी चीज़ें, जैसे कि गोल्ड हो और वो सारे मिनरल्स निकाल रहे हैं। डिग्स इनटू हर एंट्रेल्स फॉर गोल्ड। अब हम क्या करते हैं कि हमें गोल्ड निकालना है, हम सोना निकालेंगे, चांदी निकालेंगे, हम और वो सारे मिनरल्स और ओर्स निकालेंगे, वो सारी चीज़ें निकालेंगे जो धरती के सीने में मौजूद है। तो उसके लिए हमें धरती को चीरना पड़ेगा, उनको उसकी खोदना होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। जैसे आजकल हम जो बोरवेल वगैरह करते हैं, तो जो बोरिंग मशीन होती है वो बोरिंग को 700-800 मीटर तक खोदती है पानी के लिए, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने बॉडी के साथ कर सकते हैं, क्या अपने माँ की बॉडी के साथ कर सकते हैं कि हम चाकू से घोपे? हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर हम हमारी धरती के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, म्यूटिलेट हर बॉडी, म्यूटिलेट का मतलब होता है बर्बाद करना, खिलवाड़ करना बॉडी के साथ में। तो चलिए, बिंग इंग्लिश क्लासेस में बस इतना ही, आगे और एक पार्ट 5 बनाऊंगा इस लेसन का, और उसके बाद में ये लेसन मैं वाइंड अप कर दूंगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।